नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। गर्मियों का मौसम आते ही सबसे पहले जो हमें हमारे लिए बड़ी टेंशन बन जाती है वो बन जाती है इस मौसम में स्किन को कैसे हम लोग अपनी ठीक ठाक रख सकें। और वहीं देखा जाता है कि तपती जलती गर्मियों में स्किन के साथ साथ हमारे खान पीन में भी काफ़ी बदलाव आते हैं और हमें ये समझ में नहीं आती कि इस गर्मी के मौसम में हमें क्या खाना है और किस तरह से खाना है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय आयुर्वेदिक डॉक्टर सनी देवगन जी। इनसे जानेंगे हम कि गर्मी के मौसम में अपनी स्किन को कैसे हम लोग सही रख सकते हैं। आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मी का मौसम जब भी आता है तो सबसे पहले जो गर्मी जो तेज़ धूप होती है उसका इफेक्ट हमारी स्किन पे पड़ता है, यानी कि यूवी जो है इस समय काफ़ी तेज़ हो जाती है, तो कैसे अपनी स्किन को इस समय में बचाना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमें जो एक्सपोज पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमें तो अगर हम नेचुरल आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में बहुत ही ऐसे जो कुदरत से दी हुई चीज़ें हैं जिनसे हम इसे आपको बचाव कर सकते हैं। कॉमनली आप जैसे एलोवेरा एंड ककुम्बर, डेली सुबह आप थोड़ा सा एलोवेरा का पल्प ले लीजिए और उसके साथ आप ककुम्बर खीरा जिसको हम बोलते हैं उसका आप गुदा उसको पूरा जो अंदर का जो पल्प है उसको भी पीस करके उसका एक फेस पैक बना लीजिए। और जो आपके एक्सपोज पार्ट डेली एक्सपोज में जैसे गर्द अप टू नेक तक, फेस या बाजू तक, आप उसको रेगुलरली अप्लाई करें, उससे जो डेली स्किन टैनिंग है वो आपको उसमें बचाव में हेल्प करेगा। सर, अक्सर देखा जाता है कि YouTube पे ऐसी बड़ी सारी वीडियोस अपलोड की जाती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि गर्मी के मौसम को बचाने के लिए उसमें पैक दिखाए जाते हैं, लेकिन कई बार हम लोग वो पैक लगाते हैं और हमारी स्किन पे उसका अलग गलत ही असर देखने को नज़र आता है, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, आज सोशल मीडिया का अच्छी तरह से हो रहा है, इसका देखिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये मेरी एक हर पेशेंट को यही सलाह है कि आप अपने नज़दीक में कोई भी डॉक्टर रहता है आप अपनी स्किन की सेंसिटिविटी को देखते हुए किसी नज़दीक किसी डॉक्टर से अपना लेके करें। ऐसे आप YouTube में देख के डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित हो। कोई भी एक ऐसी चीज़ कई बार आपकी स्किन की सेंसिटिविटी को देख सकती है, इसलिए जब भी आप लें डॉक्टर की सलाह के बिना आप कुछ भी यूज़ मत करें। जो भी एक अपने जो नज़दीक में जो भी डॉक्टर है जिसको आप शुरू से दिखाते आ रहे हैं आप उसकी एडवाइस के साथ ही आप उसके साथ फॉलो करें। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर देखा जाता है कि लोग इन दिनों में मुल्तानी मिट्टी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे पैक के ज़रिए बना बनाया मार्केट से पैक मिल जाए या आजकल रॉ जो मिलता है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार सुनने में आता है कि ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करने से स्किन ड्राई हो गई है या स्किन में पैच आने शुरू हो गए, इस मामले में कैसे बचना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आप खाली मुल्तानी मिट्टी को यूज़ कर रहे हैं या उसके साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या आप अपनी स्किन के जो आपकी स्किन का टेक्सचर है जैसे ड्राई है, ऑयली है या मिक्स है, कईयों की स्किन कह रहे हैं ना ज़्यादा ड्राई होती है ना ज़्यादा ऑयली होती है, उस हिसाब से मुल्तानी मिट्टी को आपने उसके साथ भी ऐड ऑन करना होता है। अपने जैसे अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप रॉ मिल्क जैसे कच्चा दूध बोलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है, ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, तो रॉ मिल्क के साथ आप ये रोज़ वाटर डाल सकते हैं, या जिसको एक्ने की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एक्ने रहते हैं, उसको आप दही का पानी उसके साथ मुल्तानी मिट्टी के या उसको ने तो वो ऐसे एंटीबैक्टीरियल भी वर्क करता है। तो उसके साथ अगर अब आपको और पर्टिकुलर आप मुल्तानी मिट्टी रेगुलर यूज़ करते हैं जैसे ये इस गर्मी में, तो आप उसके साथ आप ये एलोवेरा का पल्प या कुकुम्बर का पल्प आप ऐड ऑन करते हैं तो जो टैनिंग है इसे कहीं हद तक बचा जाता है, फिर रॉ मुल्तानी मिट्टी का इतना साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। ये तो थी फेस की बात, जहाँ पर हम लोग खुद को बचाने के लिए फेस के लिए अलग अलग तरीके से क्रीम्स या ये पैक्स इस्तेमाल करते हैं। खान पीन की बात की जाए तो इस मौसम में, इस गर्मी के मौसम में क्या किस तरह से हमारी खान पीन की रूटीन होनी चाहिए जिससे जो है डिहाइड्रेशन से बच सकें या ऐसी जो गर्मियों में प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे हम खुद का बचाव कर सकते हैं? देखिए, हमें मैक्सिमाइज वाटर का इंटेक मैक्सिमम करना चाहिए। वाटर किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि खाली आप सिंपल पानी, आप वाटर को किसी शरबत के फॉर्म में, जूस के फॉर्म में, आप उसको अगर आप दूध का इंटेक भी दो बार करते हैं तो वो भी आपको वाटर कहीं ना कहीं उसमें वो फ्लूड इंटेक में हेल्प करता है। आप उसको, हाँ, अभी जैसे अगर नेचुरल की कुदरत की तरफ से हमारे पास दो तीन चीज़ें ऐसी आती हैं जो सिर्फ 2 महीने में आती है, जैसे वाटरमेलन है, ये खरबूजा है, तरबूज है या ये खीरा, तो ये चीज़ें हमें नेचुरली हेल्प करती हैं वाटर लॉस और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। तो मैक्सिमाइज हमें घरों में अक्सर हर जगह ये इस्तेमाल होते हैं और हमें मैक्सिमम इनका यूज़ करना चाहिए। आज ये कुदरत से दी हुई चीज़ें हैं, हमें इनसे दूर नहीं भागना चाहिए। हम ज़्यादा जो है आज बनावटी आर्टिफिशियल की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, हमें आप कुदरत की तरफ आना चाहिए। कुदरत का ये देने का मकसद ही यही है कि जो हमारा बॉडी का वाटर लॉस है ये मेंटेन हो पाए और कहीं ना कहीं बॉडी हमारी डिहाइड्रेशन से बची रहे, हाइड्रेटेड रहे, बनी रहे।
सर आखिरी में आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर देखा जाता है कि इस गर्मी के मौसम में जहाँ डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है वहीं मुंह में छाले भी हो जाते हैं, उसको लेकर भी बाहर से बच्चे या बड़े मेडिसिन तो खाते हैं लेकिन इतने जल्दी असर नहीं आता, इस दौरान हमें कैसे खान पीन रखना चाहिए? देखिए अगर तो जिसको अक्सर माउथ अल्सर्स की प्रॉब्लम रहती है और वो खासकर गर्मी की वजह से या गर्म खान पान की वजह से या लीवर में हीट रहती है, तो उसमें केस में ऐसा है कि सुबह उसको डेली उठ यानी जैसे एम्प्टी स्टमक वाटरमेलन का वो इंटेक करे। वाटरमेलन को अगर वो रेगुलर नहीं ले सकता तो वाटरमेलन का एक फॉर्म और भी आता है कि वाटरमेलन ले लीजिए, उसके जो बीज हैं वो भी उसके बीच में रख के उसमें थोड़ा सा पुदीना डाल लीजिए और एक नींबू, और उसको नींबू बाद में रख, पहले उसको पूरा ना एक ग्राइंडर के साथ पूरा क्रश कर लीजिए ताकि बीज भी उसके बीच में एक जूस फॉर्म में हो जाए, और उसमें एक नींबू डाल लीजिए और वो डेली एम्प्टी स्टमक ले लीजिए। इससे जो लीवर की हीट है ये वाटरमेलन क्या करेगा, पेशाब खुल के लेके आएगा और जो लीवर की हीट है ये यूरिन के रेशे के थ्रू बाहर निकालेगा, तो उससे जो मुंह के छाले अगर गर्मी की वजह से है तो कहीं हद तक वो राहत देने में हेल्प करेगा। सर एक सवाल और जानना चाहूँगी आपसे कि जो लोग शुगर पेशेंट हैं या जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उनको अक्सर ऐसे फ्रूट्स खाने में दिक्कत होती है क्योंकि शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसे में उन पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए? देखिए अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 200-250 से ऊपर है कि आप वाटरमेलन इंटेक नहीं कर सकते तो फिर आप बेटर है कि अगर आपको गर्मी से राहत चाहिए तो आप कच्ची लस्सी जिसको हमारे घर में हम बोलते हैं गुनगुनतीरा डाल के, जो हमारे आज कई बाज़ारों में भी मिल जाती है, आप घर में भी उसको ईजिली गुनगुनतीरा लाएँ, उसको थोड़ा भिगो के रखें, तो आप 1/4 आप एक गिलास पानी में 1/4 दूध डाल लीजिए और उसमें ऊपर से बाकी पानी डाल लीजिए, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए और गुनगुनतीरा हो गया या किसी तरह के सीड्स जैसे चिया सीड्स और कोई आप फ्लेवर इसमें बीच में कोई ऐड ऑन करना चाहते हैं सिर्फ मीठे को छोड़ के, तो आप इसको डेली सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक लीजिए, ये भी इक्विवेलेंट वर्क करेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सनी देवगन जी, जिन्होंने हमें बताया कि इस गर्मी के मौसम में स्किन के साथ साथ हमें अपने आप को किस तरह से बचाना है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।